हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिपु के किचन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी डिश जिसका नाम है आलू के पराठे। रत्नागिरी से जो एक सब्सक्राइबर है उनका नाम है तैबा सोलकर, उन्होंने हमारे लिए एक जो डिश बोली थी आलू के पराठे, वो आज हम आपको बना के बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू पराठे वाली डिश। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये है। तो हमने एक आलू लिया है बॉईल किया हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक लिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया लिया है, और 2 कप मैदा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक। अब उसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। और जो हम आटा गून रहे हैं उसको एकदम टाइट भी नहीं करना है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं रखना है, मतलब मीडियम ही रखना है उसको। ऐसे हमारा आटा गून के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हो, हमने ज्यादा हार्ड भी नहीं और ज्यादा एकदम सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम ही रखा है हमने। तो अब हमको इस आटे को फ्रिज में 2 मिनट के लिए स्टोर करना है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। हमने जो आटा गुना था उसको 2 मिनट के जब फ्रिज में रखा तो हमने निकाल दिया है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसको घी लगा के अच्छे से हमने गुना है। तो अभी हम इसको ऐसी 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमने जो बॉईल किया हुआ आलू लिया था उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, और जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको सबको हम इसमें डालेंगे। अभी इसको सबको अच्छे से मैरिनेट करना है। गाइस, देख सकते हो कि 10 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। तो हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब वैसे सर्दियों के मौसम में तो पराठे खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन क्या करें, सर्दियों का मौसम ही खत्म हो गया, कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला वक्त के साथ साथ। कुछ कुछ लोग को मैदे के पराठे खाने पसंद है, कुछ कुछ लोग गेहूं के पराठे खाते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी, आप गेहूं का आटा लेना चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या तो मैदे का आटा भी ले सकते हैं, टेस्ट तो दोनों में आता है। ऐसे उसके अंदर फिल करना है आपने, देख ही सकते हो गाइस। वैसे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ताकि हम इसी तरह न्यू डिशेस हमारे चैनल पे ला सके।
ब्यूटीफुल। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। आपको इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी वरना आलू का पराठा ब्लास्ट हो जाएगा और आलू बाहर आ जाएगा। इसको हल्के हल्के हाथों से आपने बेलना है। गाइस पराठा बेल के रेडी हो चुका है। हम आपको इसकी थिकनेस बता देंगे कि हमने कितना इसका थिकनेस रखा है, देख ही सकते हो आप। इसको ज्यादा भी पतला नहीं करना है और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, देख सकते हो। बिस्मिल्लाह। तो हम इसको अब टर्न करेंगे। जिस तरह हम रोटी पकाते हैं उसी तरह सेम इसी को पकाना है। माशाल्लाह खाने में बहुत ही मजेदार होते हैं, इजी और झटपट डिश। गाइस हम इस पे अब घी लगाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है, खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल। बेहतरीन कलर आया, डिजाइन देख ही सकते हैं। ये दिखने में तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है, देख ही सकते हो आप। तो देख रहे हो तैबा सोलकर, हमारे जो एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम तैबा सोलकर है, उन्होंने कमेंट किया था हमें कि आलू के पराठे बना के बताइए। तो हमने उनके लिए स्पेशली आलू के पराठे बना के फाइनली दिखा दिए। तो तैबा सोलकर हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, प्लीज बता दीजिए कि ये डिश जो हमने बनाई है वो कैसी है। तो लीजिए गाइस हमारे आलू के पराठे जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। तो गाइस कैसे लग रहे बताइए आप कमेंट करके। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।